आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फॉर द फॉलोइंग डायग्राम द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। हमें क्या यहाँ पे फिगर में दिया है, एक फिगर दिया हुआ है और उसमें एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अब गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा, जब इस ब्रांच में कोई भी करंट की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ भी करंट फ्लो करता तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता, लेकिन कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और इस केस में हमें बतानी है कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है वो आप बताओ, मतलब कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप देखो तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मैं यहाँ पे ए और बी बोल देता हूँ इसको, ठीक है। ये दो रेसिस्टर्स कनेक्टेड है और यहाँ पे भी इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है, मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब कि आर वन बाई आर टू जो है वो आर थ्री बाई आर फोर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको आर वन बाई आर टू का रेशियो पता है, आर वन बाई आर टू कितना आ रहा है आपको 100 ओम डिवाइडेड बाई 200 ओम, है ना, तो ये वैल्यू 1/2 के इक्वल आ रही है। तो यही रेशियो आर थ्री बाई आर फोर का भी होगा, तो आर थ्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1/2 इंटू आर फोर, और 1/2 इंटू आर फोर जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 40 ओम। तो यहाँ से आपको 20 ओम वैल्यू आ जाएगी आर थ्री की, मतलब कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होना चाहिए उसकी वैल्यू 20 ओम होने चाहिए। तो अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो क्या आप लिख सकते हो, R इंटू 100 बाई R प्लस 100, जब दो रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं और उनकी वैल्यू R1 और R2 है होती है, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हमारी वैल्यूज हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ से ये हमारी रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की होगी वैल्यू, यहाँ पे R इंटू 100 बाई R प्लस 100 कर लिए और ये वैल्यू हमारी 20 ओम के इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 100 R इज इक्वल टू 20 R प्लस 2000। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 80 R इज इक्वल टू 2000 और यहाँ से अल्टीमेटली R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2000 डिवाइडेड बाई 80 ओम। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया हमारा 25 ओम के इक्वल, ठीक है। मतलब कि हमारी रेसिस्टेंस जो हमारी ये आर की वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू अगर 25 ओम हो जाए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।